दिल्ली से दोबारा नहीं जा पाया, पर उसके बाद मैंने एलोरेंस दिखाया था तो उन्होंने भी मुझे सर सजेशन किया था ऑपरेशन का, ऑपरेशन का। उसके बाद डैन आपका आपको दिखाया था तो उन्होंने भी ऑपरेशन का सजेस्ट किया, पर आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि उसमें एंडोस्कोपी से आप कभी ना चीरा करके कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये मेरे पेशेंट हैं ये काफ़ी दिनों से मेरे को दिखा रहे हैं, इनको ईयर में प्रॉब्लम थी एंड कई दिनों से क्या है ये मेडिकेशंस भी ले लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर वापस इन्फेक्शन के कारण कान में क्या है बार बार जो है वो पस भी आता था क्योंकि इनके कान के पर्दे में होल था। एंड सर्जरी इसका एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एक डर होता है दिमाग के अंदर कि कान के अंदर जो है वो पीछे जो है वो चीरा लगेगा, निशान भी आएगा। ऐसे ही इनका भी कुछ ऐसा था। सर आप बताओगे कान में क्या प्रॉब्लम थी? सर पहले मुझे कान में पस आने लगी थी, मैंने दिल्ली भी दिखाया था तो उसमें क्या तो उन्होंने ट्रीटमेंट बहुत उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पस था तो डॉक्टर ने जैसे मुझे दवाई देके से ठीक कर दिया था, पर उसके बाद मुझे दिल्ली से दोबारा नहीं जा पाया, पर उसके बाद मैंने एलोरेंस दिखाया था तो उन्होंने भी मुझे सर सजेशन किया था ऑपरेशन का, ऑपरेशन का। उसके बाद डैन आपका आपको दिखाया था तो उन्होंने भी ऑपरेशन का सजेस्ट किया, पर आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि उसमें एंडोस्कोपी से आप कभी ना चीरा करके कर सकते हैं, तो मेरा इसलिए मन माना कि सर आप के थ्रू मैं कराऊँ सर इसको, और अब अच्छा लग रहा है सर मुझे, थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। थैंक यू सर। एंड दोस्तों, इन्होंने जो सर ने बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट, कि आपके पेशेंट को बहुत सारे कई बार क्या है पेशेंट अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाता है लेकिन उसको ये फैत होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरा ये डॉक्टर कर सकता है एंड किस वे में, एंड ऑब्वियसली आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए एंड एडवांस टेक्निक होनी चाहिए। जैसे सर की इनकी सर्जरी हुई है तो इनका क्या है ये जो सर्जरी है वो एंडोस्कोपिक दूरबीन से है, कान के पीछे कहीं चीरा नहीं है। आप 6-7 दिन बाद इनकी में बैंडेज ओपन कर देंगे, ये अपना रूटीन कामकाज सारा कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी जिसको एंडोरल टेक्निक से करते हैं। थैंक यू।